नमस्कार, मैं मानसी धामने, स्वागत है आप सबका हमारे शहर उल्लासनगर की इंस्टेंट अपडेट यानी क्लासिक 24 ऑनलाइन टीवी चैनल पर। पिछले दिनों कश्मीर स्थित उरी में हमारे देश के लिए जो जवान शहीद हुए, उल्लासनगर परिवार द्वारा उल्लासनगर 3 स्थित टाउन हॉल में उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। हमारा देश जो है एक शांति प्रिय देश है, जिसमें हम सहज तरीके से सब सोच समझ के कोई भी कदम उठाते हैं, लेकिन ये जो दुर्घटनाएं जो है बार बार होती रही है, पहली पहली दुर्घटना जो है ये साल में 2 जनवरी को पठानकोट में हमारे एयरबेस पर हमला किया गया आतंकवादियों ने, उसमें भी हमारे कई सारे नौजवान शहीद हो गए। हम अपने तन मन से इनके जो परिवार पे एक दुखों का पाठ उठा है, हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि उनके जो भी उनके पर दुखों का पाठ उठा है, हम उसके लिए पूरा हिंदुस्तान उनके लिए सहभाग है। हर कार्य में हम लोग आज ये लोग जो शहीद हो गए हैं, हम ना दुकान बंद करके ना कुछ ये करके, मैं सब लोगों से यही निवेदन करूँगा कि जो भी होता है हम रास्ते पे उतर कर लोगों से जो भी अपने से बन पड़ता है, जितनी भी राशि जमा होगी हम उनके परिवार को भेजेंगे, तो उल्लासनगर से भी एक अच्छा संदेश जाएगा। ये जो पिछले 20 साल से आतंकवाद कश्मीर के ऊपर लादा जा रहा है, भारत के ऊपर लादा जा रहा है, उसका निर्णायक फैसला इसी सरकार में होगा, यही मैं उनसे आशा करता हूं और सभी हमारे वीर पुत्रों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उल्लासनगर विधानसभा क्षेत्र से सभी आए हुए लोगों को तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सबने श्रद्धांजलि दी, लेकिन उन परिवार जो परिवार आज अपने घर के बेटे, अपने पति और अपने भाइयों को खो चुके हैं, उन सभी परिवारों को भी शत-शत नमन कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है कि अपने बच्चों को उन्होंने सेना में भर्ती करवाया और हमारी जान की रक्षा के लिए वो बच्चे शहीद हुए। पाकिस्तान गेली 20 ते 25 वर्ष पेक्षा ही जास्त वेळोवेळी हल्ले करण्यात येतात आणि आपण फक्त श्रद्धांजलीचा सभा घेतो। पाकिस्तानला अद्यापही आपण चांगल्या पद्धतीने प्रत्युत्तर देत नाही। ज्या आता जे आपले 18 जवान शहीद झाले, त्या शहीद जवानांना रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीनं मी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पित करतो। जय हिंद। उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से पूरी में शहीद हुए हमारे सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ पाकिस्तान सरकार जो बार बार मना करने के बाद भी घुसपैठियों को, आतंकवादियों को मदद कर रहा है, उनकी घोर निंदा यहाँ पर करता हूँ। आप लोग आज हमारे देश के जवान प्रेम वीर गति को प्राप्त हुए, इसलिए आप लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बड़े दुख की बात है कि आज हम लोग सदियों से कष्ट सहते चले आ रहे हैं और हमेशा यही होता है कि हमेशा सीमा पे हमारे 2-4 जवान हमेशा मार दिए जाते हैं, लेकिन गर्व की बात है कि हमारे देश के जवान उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। दोस्तों, हम व्हाट्सएप पर लाइक करते हैं, लेकिन आज इन वीरों की जब तस्वीरें आई तो बहुत कम लोगों ने लाइक किया। बड़े दुख की बात है, कभी इन वीरों की तरफ भी देखिए, उन माताओं की तरफ भी देखिए जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, जिन्होंने इसे शेर पैदा किए हैं। मैं अपनी पूरी टीम की ओर से इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि जबान लग खा जाती है। जय। इन सपूतों ने हमारी सुरक्षा की चिंता रखते हुए अपने प्राण गंवाए,
इनकी माताओं को, इनकी परिवार को शत शत प्रणाम। देश के लिए निछावर होना एक गर्व की बात है। 1947, 1965, 1971 तीन बार पाकिस्तान ने हमारे साथ युद्ध किया है, तीनों बार उसने मुंह की खाई है। 1971 में तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, एक बांग्लादेश बना, एक पाकिस्तान रहा। हाल ही में आमदार ज्योति पप्पू कालानी जी का हैदराबाद में जो एक्सीडेंट हुआ, बताया जा रहा है उनकी सेहत में सुधार है, लेकिन आने वाले दिनों में मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया जाएगा। आरवी निम्बालकर जी उल्लासनगर महानगर पालिका के कमिश्नर नियुक्त होने पर पत्रकार ग्रुप द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया गया। इसी के साथ साथ हमारे शहर के लिए वो किस तरह काम करेंगे, इस विषय पर बातचीत भी की गई। मैंने आज ही आयुक्त उल्लासनगर महानगर पालिका का कार्यभार स्वीकारा है। अभी तक मुझे इस शहर के प्रश्नों के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो भी आम सभा हुई है या मेरे प्रशासन के लोगों से जो भी मैंने बातचीत की सुबह से या कुछ लोग मुझसे मिले, उन चीज़ों से जो भी मेरे प्रश्न मेरे सामने आए हैं, तो मैं एक जनरल तौर पे यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारा प्रशासन होगा वो पूरा यहाँ के जो नागरिक हैं उनको केंद्र बिंदु समझकर और यहाँ की जो समस्या है उनको केंद्र बिंदु समझकर वो किया जाएगा, और वो पूरी तरह से पारदर्शक होगा, पूरी तरह से स्वच्छ होगा, पूरी तरह से सक्षम होगा। इस तरह इसलिए मैं पूरा तरह से कटिबद्ध हूँ, और इसलिए मैं खुद को और हमारी पूरी प्रशासकीय टीम को इसमें जिम्मेदार मैं समझूंगा, और इसमें जो भी आगे हम काम करेंगे वो सब अच्छा या अच्छे तरीके से करेंगे, स्वच्छ तरीके से करेंगे, और नागरिकों में एक विश्वास पैदा हो, प्रशासन के बारे में एक अच्छी भावना उत्पन्न हो, उनके काम जो भी हमारे से निगड़ित है वो अच्छे तरीके से कम उनको तकलीफ़ हो के और जल्द से जल्द उनके काम हो, इस तरीके से हम यहाँ काम करेंगे। और इसमें प्रशासन के अलावा हमको जो यहाँ के लोक प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो मीडिया है, यहाँ के NGOs होंगे और बाकी जो भी यहाँ की संस्थाएं हैं और आम नागरिक हैं, इन सबका हमको सहयोग की बहुत सारी आवश्यकता यहाँ होगी, और जिसके लिए मैं सबको यहाँ आह्वान करता हूँ कि ये अच्छे काम के लिए, ये उल्लासनगर को एक बेहतर शहर बनाने के लिए, और जो भी हमारी मर्यादाएँ हैं वो मर्यादाओं को भी पार करते हुए हमको अच्छा काम करने के लिए
इन सब लोगों का हमको अच्छा सहयोग मिले और सहकार्य मिले और जो भी चुनौतियां हैं उनको पूरा करने में हमारी हर तरह से मदद करे। बाकी जो भी हमारी खामियां हैं, जो भी अनजाने में अगर हमारे से कोई गलती होती या काम करने में कोई कमतरता है, वो भी बेझिझक हमको वो हमारे सामने लाए, जिससे हम वो परेशानियाँ और जो भी गलतियाँ हैं वो सुधारने का हमको मौका मिले। हालांकि जो भी गलतियाँ हैं वो कुछ भी किसी भी तरह से इंटेंशनल नहीं होगी, बोनाफाइड अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसमें ज़रूर इंसानी तौर पर उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। जो मैलाफाइड मिस्टेक है उसको कहीं भी हम यहाँ उसको स्वीकारा नहीं जाएगा। उसमें जो भी कड़क कदम हैं वो किसी भी खिलाफ करने हो तो वो हम ज़रूर करेंगे। और एक अच्छा प्रशासन का एक मैसेज हम सब हमारे टीम में यहाँ आज से दे रहे हैं और सभी उसमें मुझे सहकार्य करेंगे, इसकी मुझे बहुत अच्छी मुझे विश्वास है। तो आज के इंस्टेंट अपडेट में इतना ही। देखते रहिए क्लासिक 24 ऑनलाइन टीवी चैनल। धन्यवाद।